मेरा इशू टोटल जम्मू कश्मीर के अंदर शराबबंदी। क्या लगता है कि आपके हिसाब से क्या जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध लगना चाहिए शराब पर? देखिए भैया, बात यह है कि हम तो इस ट्रेड में हैं, हमारे सारा जम्मू का ट्रेड है, सिर्फ चार दुकानें, बाकी सारी दुकानें जम्मू च, जम्मू के लोग काम करा रहे हैं। 25 तो 30 हज़ार लगभग इंसान इस ट्रेड करने डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ रहा है, वो सारा सारा बेरोजगार हो गया। बैन कर दें उन्हें, क्या मैं साड़ी सरकार अगर बनी तो असं जम्मू कश्मीर शराब लगन तो बैन कर दें। वो कि शराब बैन करा जी इलीगल आ रही है, ये नहीं लग गया कि ये बैन करो। अगर हमारा सीएम बना तो हम लखनपुर के इधर शराब नहीं आने देंगे, ये कहना है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना साहब का। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में शराब पर प्रतिबंध लगाएंगे। और आज उनके बयान पर हमने तमाम लोगों से बातचीत की, जो लोग जम्मू वाइन शॉप एसोसिएशन के लोग थे, सदस्य थे, उनसे हमने बातचीत की, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा उनके इस बयान को लेकर। ना सर, मेरा नाम विनय वर्मा। विनय जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष साहब ने एक बयान दिता कि साढ़ा अगर चीफ मिनिस्टर बनता है तो अस शराब ही पूरा बैन करी ओड़गे, क्या लगता है तुसें यो पूरे? मेरे हिसाब से जो रविंदर रैना जी ने जो बयान दिता है, उन्होंने कहा कि असी शराब बैन करो, उन्होंने ये नहीं कहा कि जम्मू कश्मीर की दुकाना बैन कर रहे, उन्होंने कहा शराब बैन कर देंगे। तो मतलब ये भी हो सकता है कि शराब जी इलीगल शराब उतु ट्रांसपोर्टेशन आती है वो बैन कर देंगे। उन्होंने इसे नहीं किसी ने कहा कि असी दुकाना बैन कर देंगे या असी बोटल बैन कर देंगे। उन्होंने कहा मैं साड़ी सरकार अगर बनी तो असी जम्मू कश्मीर शराब लगन तो बैन कर देंगे। कि शराब बैन करा जी इलीगल आ रही है, ये नहीं उन्हें किया कि यह बैन करो। उन्होंने कहा जी इलीगल शराब आ रही है जम्मू कश्मीर और आ रही है, पिछले दिनों भी दो गड्डी पकड़ी गई बड़ी, उन्होंने वो किया कि इलीगल शराब अगर आई असं वो बैन करा, उन्होंने ये शराब नहीं किया बैन करा। देखिए बहुत अच्छा, अगर उन्हें इस तरह से कहा है कि शराब को हम लखनपुर बॉर्डर ना पार करने देंगे, तो अगर ऐसा है तो जो गवर्नमेंट ई ऑक्शन करने जा रही है, मैं उनसे निवेदन करूंगा अब सबसे पहले वो उसको इसके ऊपर रोक लगवाएं, उसके बाद यदि स्टेट ड्राई होती है तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें बहुत सारी और भी चीज़ें सर आती हैं कि जिस तरह से अगर स्टेट ड्राई होती है तो बहुत सारे जो इलीगल जो तरीके से लेकर जो है वो यहाँ पे एंटर करेगा और इलीगली तरीके से जो बिकेगा, क्योंकि लोग तो किसी ना तरीके से मैनेज कर लेंगे, जिसमें कि माफिया जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। मेरे अगर तो वो माफिया को बढ़ावा देना चाहते हैं तो फिर मैं कह नहीं सकता कुछ भी, लेकिन मेरा इस बयान को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप रविंद्र रैना साहब? मेरा यही कहना चाहता कि इस तरह से यदि होता है तो यहाँ पर माफिया ही इंक्लूड होगा, और मुझे नहीं लगता कि रविंद्र रैना जी इस तरह से चाहेंगे कि यहाँ पर जे एंड के में माफिया की एंट्री जो है वो और इलीगल तरीके से लीकर जो है वो बिके, या चिट्टा जो है बिके, या जैसे कि उड़ता पंजाब था उड़ता जम्मू बने, मुझे नहीं लगता वो इस तरह से सोच रखते हैं। और मेरा तो उनसे भी यही निवेदन है कि हमारे ट्रेड को जो है वो बचाया जाए। देखिए पहले ही बात वो बताऊँ कि मुझे तो ये मालूम नहीं है कि उन्होंने ये कहा, लेकिन अगर उन्होंने ये कहा तो उनका एक मकसद ये है कि हमारे जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो वो लोग काम करें, और बाहर वाले लोग क्यों आएंगे अंदर? और बाहर की शराब जो आ रही है, पिछले दिनों कोरोना में इतनी बाहर की शराब आई, कोई चेक नहीं था उस पर, और आज भी देखें आप 2100 बोतल अभी रिसेंटली पकड़ी गई है, जबकि ये जब से ये ड्राफ्ट पॉलिसी जो है अनाउंस हुई है, तो मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने कुछ ऐसा कहा होगा। लेकिन उन्होंने जो भी कहा होगा बेहतरी के लिए कहा होगा। फिर भी तो क्या लगता है कि आपके हिसाब से क्या जम्मू कश्मीर में प्रतिबंध लगना चाहिए शराब पर? देखिए भैया, बात यह है कि हम तो इस ट्रेड में हैं, हमारा हम ये क्या देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, एक PIA लगी है हमारे खिलाफ जो कश्मीर में लगी है, कारवान इस्लामी कोई NGO है उसने लगाई है, तो उसने अपनी PL में ये मांगा है कि बैन ऑन लीकर जी, लेकिन साथ में उसने ये कहा कि जो लोग इस ट्रेड में हैं उनको रिहैबिलिटेट किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसी चीज़ कोई होती है तो रिहैबिलिटेशन पे जाना चाहिए। मी ये लगता है कि रविंदर रैना जी जिंदे कन्ने अस मिले भी आए और जम्मू की गल की ही, स्टेट की गल की ही, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा स्टेप वो लेंगे, क्योंकि इहदे विच गवर्नमेंट का रेवन्यू बड़ा इन्वॉल्व है, 1500-1600 करोड़ रुपया जड़ा डायरेक्टली गवर्नमेंट की मिलता है, और ये गवर्नमेंट जी साड़ी स्टेट है, एक हिंदुस्तान के ऐसे कोने उपर है जिते अगर साढ़े कोई सोर्स ऑफ रेवन्यू है वह है जोड़ा यात्रु आता है वैष्णो देवी, या टूरिस्ट जोड़ा आता है कश्मीर आता है जम्मू जहाँ थोड़ा जहा जो एरिया डिवेलप हो रहा है, तो 1400 करोड़ की इग्नोर करना मी नहीं लगता है कोई अकलमंदी वाली गल है।
तो मैं उनके आगे यो रिक्वेस्ट करूँगा रविंदर रैना जी आगे कि इस पर विचार किया जा और जम्मू का ट्रेड है सारे के सारा जम्मू का ट्रेड है सिर्फ सिर्फ चार दुकाना बाकी सारी दुकाना जम्मू च जम्मू के लोग काम करा रहे पंजी तो लिया 30,000 लगभग इंसान इस ट्रेड करना डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ रहा है वो सारा सारा बेरोजगार हो गया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रविंदर रैना साहब ने बयान तो दिया और उसके बाद जम्मू वाइन शॉप एसोसिएशन के तमाम सदस्यों का क्या रिएक्शन था उस बयान को लेकर वो भी आपने सुना। आपको क्या लगता है रविंदर रैना साहब की इस बयानबाजी को लेकर क्या जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में शराब पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। तमाम जम्मू कश्मीर की बड़ी खबरें लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। कैमरामैन अमित सिंह सासन के साथ। जय हिंद।